हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गया हूँ गेम, अपना गेम लेके, ट्रक वाला गेम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं जा रहा हूँ। गाइस ये देखो, सामने सामने दिख रहा है, वही मेरा कंटेनर है। मैं यहाँ से लूँगा यू टर्न, नहीं बैक करूँगा। ये लिया मैंने हल्का सा यू टर्न। अभी मैं अपनी गाड़ी करता हूँ बैक, उठाऊँगा कंसाइनमेंट और वो जो टैंकर खड़ा है पीछे, उसी को मैं अपनी गाड़ी में कनेक्ट करूँगा। वो कनेक्ट करने के बाद मुझे वो लेके जाना है अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ से मुझे मिलेगा ढेर सारा पैसा। जब पैसा मिलेगा तो मुझे यार कैसा मिलेगा, मैं बहुत सारे न्यू न्यू गेम खेलूँगा, पैसे से गैजेट्स खरीदूंगा। ओ देखो काव खड़ी है, काव दिख रही है ना गाइस, काव। वाओ क्या मौसम है, काफ़ी क्लाइमेट लगता है, ठंडा ठंडा सा हो रहा है, फॉगी फॉगी सा क्लाइमेट है, माउंटेनियर्स। देखो भाई साहब, ये है पहाड़ी इलाका, हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र। अब पहाड़ पे गाड़ी चलाना मारे बस की बात ना सह, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आई एम आ एक्सपर्ट ड्राइवर इन माउंटेन्स, फॉर माउंटेन्स। क्या अंग्रेजी है, क्या अंग्रेज की मम्मी पापा कर रहे हो, सीधे सीधे हिंदी में बोल लो जो नहीं आती इंग्लिश। हमारी इंग्लिश तो ऐसी सह जैसी कपिल शर्मा की सह, समझ रहे हो ना गाइज। गाइज गाइज मैंने रफ्तार पकड़ ली है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की, 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से मैं अपना ट्रक दौड़ा रहा हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि पहाड़ों पे और कच्ची रोड पे इतनी रफ्तार पकड़ना ओवर कॉन्फिडेंस की दाद देता है। मम्मे भाई साहब, बाल बाल बचा। आप लोगों ने देखा गाइस मैंने कैसे मेरे ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे शादी, देखो मेरा वो तो कहो मेरा कैबिन नहीं पलटा, नहीं तो मेरे तो शरीर फट फूट जाता, बेहोश होता, गाड़ी आगे हिलती नहीं। किसी तरह से मेरा कैबिन सीधा खड़ा रहा, कंटेनर जो था मेरे पीछे वो भी नहीं पलटा पूरी तरह से, गाड़ी अभी भी स्टेबल है, सीधी खड़ी है। मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, निकल नहीं रही है। मैं पूरा एक्सलेटर दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन गाड़ी नहीं निकल रही है। गाइस क्या ये निकलेगी नहीं है, तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर मैं टाइम के अंदर मैं नहीं पहुँचूँगा तो फिर काम लग जाएगा मेरे भाई, फाइन लग जाएगा मेरे को, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। जल्दी से निकल जा, स्पीड बने। ऑटो से मैं हटा चुका हूँ, मैंने पहले ऑटो पर लगा रखी थी, स्पीड 100 कर दी थी ना मैंने, ऑटो पर चल रही थी गाड़ी। अब गाइस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं अपनी एक्सलेटर देता हूँ, शायद निकल जाए। देखो यार निकल तो रही है यार, देखो निकली निकली, निकल जा, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। लेकिन यार मेरे को अभी भी डाउट है, पूछो क्या पूछो, ये कि यहाँ से तो देखो रोड पे तो चढ़ेगी नहीं, देख रहे हो कितना गैप है, थोड़ा मुझे और आगे चलना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ ऊपर पर, हाइट पर जाकर थोड़ा शायद मे बी वहाँ से चढ़ जाए। यहाँ तो काफ़ी ऊँची सड़क है और वो जो ग्राउंड में नीचे था काफ़ी गैप था, मेरा ट्रक उसमें पर फिर से फंस सकता था। तो अभी हम आ गए हैं ऊपर चढ़ाई पे, थोड़ा सा ट्रक बहुत स्लो चल रहा है, बहुत हैवी चढ़ाई है ना और ट्रक का लोड भी ज़्यादा है, इसलिए ट्रक की स्पीड बहुत धीरे धीरे चल रही है। एक्सलेटर तो मैंने पूरा दे रखा है बट हो नहीं रहा वो बात, मज़ा नहीं आ रही। देखो भाई चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया गाइस, चलो निकलते हैं सफ़र पर, लंबे सफ़र पर, किसी तरह मुझे पहाड़ों का रास्ता ख़त्म हो जाए। यहाँ पर बहुत रिस्क है, लेकिन तुम्हारा भाई भी चीता है, चीता और चीता कभी दारू नहीं पीता, इसीलिए वो हमेशा जीतता, तो अपन भी जीतेगा। क्या बोला, अपन बस्ती का हस्ती चलाएगा गाड़ी ऐसे ही, मस्ती मस्ती में मस्ती। ओवर कॉन्फिडेंट की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे भी, जगला रहो। ले आया आखिर रोड पे, ये अब मेरी गाड़ी दौड़ेगी 100 पे। अभी मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, बस गाड़ी सीधा सीधा हो जाए। ये देखो गाइस मैं अपनी स्पीड कर दी है फुल 100। एक्चुअली क्या ट्रक की मैक्सिमम स्पीड ही फुल दे रखी है, तो भाई मैं क्या करूँ, मेरा बस चला था 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। जस्ट जोकिंग गाइस। तो गाइस क्या हो रहा है, देखो मेरा दूसरा व्यू लगाया है अभी, देखो वाह मौसम तो यार एकदम लल्लन टाप हो रहा है, क्या कहते हो। देखो क्या लल्लन टाप मौसम है, बादल बादल हैं, छाया छाया सा हो रखा है, हरे हरे खेत। गाड़ी चलती जा रही है अपनी, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, हाय गर्मी।
गाइस चलो यार, रास्ता बहुत लंबा है। आपको सुनाता हूँ एक चुटकुला। चुटकुला नहीं सुनाऊंगा, अपनी बताता हूँ आज मेरे साथ हुआ क्या। हुआ ये, आज जब मैं कई दिनों से स्कूल जा नहीं रहा था, आज मेरे टीचर ने मुझसे स्कूल में पूछा, इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए। हमने कहा मैडम बर्ड फ्लू हो गया था मैम। तो मैडम बोली बर्ड फ्लू हो गया था, पर ये तो पक्षियों को होता है, बर्ड्स को होता है, तुम्हें कहाँ से बर्ड फ्लू हो गया। तो मैंने बोला मैडम आपने हमें इंसान समझा ही कहाँ है, रोज रोज तो मुर्गा बना देती हो। गाइस पूरी क्लास जो जोर जोर से हंसी है, मैडम की तो भाई साहब हालत ही खराब हो गई है। मैं रोज रोज मुर्गा बना देती इसी बात पे। मेरा जैसे ही मैंने चुटकुला सुनाया, मैडम ने फिर मुझे मुर्गा बना दिया। भाई साहब मेरे तो बल्ले ही बल्ले, मैं फिर मुर्गा बन गया भाई। फिर मैंने दो अंडे दे दिए। मुर्गा बनाता तो अंडे कैसे दिया, अंडा तो मुर्गी देती है, तो मुर्गी मुर्गा थोड़ी अंडा देता है। मेरा तो चिकन बन गया समझ लो। मैडम ने जब मुर्गा बना के मेरा चिकन बनाया भाई, दे डंडे पे छोड़ा, मेरा सूज गया, लाल हो गया भाई साहब। गाड़ी चल रही है यार, पेड़ देखो कितने गजब के, बादल देखो कितने, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है साइड में। मैंने ट्रक किनारे कर लिया था पहले ही। देखो बातें चाहे हजार करो, नज़र हमेशा रोड पे रखो, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। का कहते हो, यल्लो यल्लो राजा हो गया पंगामा। टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक टक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक। ये देख ये कौन सी गाड़ी, इस गाड़ी का नंबर दिखा दी। गाड़ी का नंबर देख, गाड़ी का नंबर देख विनोद। ये विनोद देख रहा है, विनोद कैसी गाड़ी चला रहा था। ओ पोंगा धीरे धीरे चला रहा था। गाइस मैं चला रहा था बहुत तेज, 100 किलोमीटर पावर की स्पीड से चला रहा हूँ, और गाड़ी चलती ही जा रही है। देखो भाई साहब खेती बाड़ी भी हो रही है, अपन जा रहा है पेट्रोल भराने। गाड़ी की हो गई है पे टंकी खाली, इससे पहले कि गाड़ी की बिल्कुल बंद हो जाए मैं डला लेता हूँ फ्यूल, पूरा फुल कराऊंगा, उससे नीचे बात नहीं करूंगा। $180 का आएगा, $180 $180 180 इंडियन रुपीस में आ जाएगी वैल्यू। जानते हो कितना महंगा तेल डला है अपन। चलो भाई गियर डाला आगे बढ़ो। ये देख ट्रक कैसे खड़ा है, खाना खाने के लिए। यहाँ तो खाना था ही नहीं, होना मैं खा लेता, बड़ा नॉट हंगरी। अब मैं डायरेक्ट पहुँचा दूंगा डेस्टिनेशन पे, कोई खाना पीना कुछ नहीं, सीधे चलो डेस्टिनेशन पे चलाऊंगा। इतनी अच्छी एक्चुअली क्या पिछले गए भी तो नींद आ रही है यार। सो माय गॉड, नशे में गाड़ी चलाने से ज़्यादा खतरनाक है नींद में गाड़ी चलाना, जानते हो ना गाइस। हाँ ड्रिंक एंड ड्राइव इतना रिस्की नहीं होता है जितना रिस्की होता है नींद में गाड़ी चलाना। नींद में कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। चलो मैं अपना कुछ ड्रिंक पी लेता हूँ। गुड 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 पी लिया, अब ठीक है, थोड़ी एनर्जी आ गई, मेरी नींद गायब हो गई है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ सन्नाटे से। और मैं राइट लेना है, मैं यहाँ से राइट लूँगा, फुल स्पीड में राइट लूँगा, देखता हूँ कौन क्या उखाड़ लेता है। 100 की स्पीड से ही टर्न करूंगा। ये देखिए मैंने पूरा ट्रंक बैलेंस, देखिए आप बैलेंस देखिए भाई का बैलेंस। अरे विनोद देख रहे हो बैलेंस, ट्रक को पलटने नहीं दिया, 100 की स्पीड में टर्न लिया है। कैसे क्या हो गया यार, अभी तो बहुत दूर जाना है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ा ही बचा है। डेस्टिनेशन लगभग मेरा आ गया, मैप में दिखा ही रहा है, बस आगे से मुझे लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेके डेस्टिनेशन आ गया। ये मैं पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ बच गया, मैं बच गया। रॉन्ग गेट पे लग गया क्या, ये खुल क्यों नहीं रहा गेट। पी 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 लग रहा बैक करना पड़ेगा। ओ ओ ओ, ओ मैंने लगाया तो ज़्यादा आगे, ठीक है चलो सही करके लगाता हूँ। ये अब तो खोल दे भाई, खोल दो गेट, खोलो मैं आ गया हूँ।
कोई है? पे 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 हॉर्न बजा रहा हूँ। कोई है? ए भाई खोलो, मैं आ गया। नहीं खोल रहे यार ये लोग, तो मैं तोड़ दूँ क्या? यार मैं इतना गंदा तो नहीं हूँ कि तोड़ दूँ, फिर इनका नुकसान, मेरे को फाइन लग जाएगा, मेरे ही जेब से जाएगा गाइस। इसलिए मैं बैक कर लेता हूँ, मुझे लगता है मैं ही रॉन्ग गेट पे आ गया हूँ। वो देखो गार्ड आ गया, उसने मुझे बताया कि इधर नहीं, उधर से चलो, उस वाले गेट से आपकी एंट्री होगी, ये तो एग्जिट वाला गेट है। मैंने कहा ओके, इट्स माई मिस्टेक, चलो चलता हूँ नेक्स्ट गेट पे। टन टन टन, बादल बहुत हो गए, बारिश होने वाली है। बारिश होने से पहले पहले मैं अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दूँ। वो देखो सामने एरो दिख रहा है गाइस, बस वहीं पे मुझे कंटेनर अपना बैक करके लगा देना। नहीं बैक करके नहीं लगाना, बैक करके लगाने का मतलब होता है फिर मुझे आगे की भी डिलीवरी दे, मेरे ख्याल से सीधा ही लगाना होगा, तो मैं सीधा ही पार्किंग में लगा दूंगा, क्योंकि मुझे सीधे लगाने का मतलब है, देखो एरो बनाना, बस का मुंह ट्रक का मुंह आगे की तरफ, तो उसका मतलब होता है कि डिलीवरी कर दी आपने और आपको वापस नहीं जाना है। देखो उस पर लिखा है ना, अगर फुल डिलीवरी बैकवर्ड लोगे मतलब लाना, फिर यहाँ से फिर दूसरा सामान वापस ले जाऊँगा, तो +$250 और मुझे, नहीं $2500 मिलेंगे, बट मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, इतनी देर बहुत है गाइस। तो तो फिर गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई कमेंट करना है तो वो कमेंट कर देना। आपको वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी लगी, क्या कमी है, जो भी कमी है, जो भी चेंजेस चाहते हैं मुझे बता दीजिएगा। गाइस लव यू, गाइस लव यू, लव यू, लव यू सो मच। मेरा लास्ट वाला वीडियो देखने के लिए आप लोगों ने अगर देखा है तो, नहीं देखा तो जाके एक बार और देख लीजिए। इससे पहले वाला मेरा फर्स्ट गेम था, ये मेरा सेकेंड गेम है।